कोरोना वायरस देश और दुनिया में कोहराम मचा रहा है। विश्व भर में लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना का सिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। पर विडंबना देखिए, इस संकट के समय जो पुलिस, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अपनी और अपने परिवार की परवाह न करते हुए लगातार 24 घंटे हमारी जान बचाने के लिए जुटे हैं, कुछ असामाजिक तत्व इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इन पर पथराव कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार कर रही हैं। सर, आपकी माँ का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ माँ। बेटा, समाचार में क्या दिखा रहा है? तो ठीक तो है ना? माँ, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। माहौल अच्छा नहीं चल रहा, घर आ जा बेटा। माँ, आप तो जानते हो ना इस समय अपने देश के क्या हालात चल रहे हैं। अगर इस समय मैं देश के काम नहीं आया तो मेरा डॉक्टर होने का क्या फायदा? मेरे को ठीक नहीं लग रहा बेटा। सर, एक पेशेंट आया बाहर। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ, एक पेशेंट आया है, उसका इलाज कर देता हूँ। हाँ पापा। बेटा कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा कहाँ है तू? खाना ठीक से खा रहा है कि नहीं? हाँ पापा, हाँ मैं ठीक से खा रहा हूँ खाना, थाने में बैठा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। भैया, लॉकडाउन लगा है, पूरा देश घर पे, आप कहाँ जा रहे हो? मेरा जाना जरूरी है बेटा। भैया रुक जाइए ना घर पे। बेटा कितने दिन हो गए तुझे देखा नहीं, घर आ जा। सर, आपने आपकी माँ से झूठ क्यों बोला? हम नहीं गए तो देश कैसे चलेगा? पापा, अगर हम घर पे बैठ गए तो फिर देश कैसे सुरक्षित रहेगा? इस समय हमारे लिए देश सबसे पहले है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। नन्ही सी हसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।